आई वॉज ड्यूब्ड यस मेरे साथ फ्रॉड हुआ है वेन दे रियलाइज दैट द मनी वॉज इन देर बैंक देर वॉज नो रिस्पॉन्स ऑन द डीएम माई मनी स्टिल स्ट बट इतने ज्यादा फॉलोअर्स और इतने बड़े लेवल पे अगर फ्रॉड हो रहा था यस मेरे साथ फ्रॉड हुआ है या अगर मैं ये कहूं कि मैं जान बूझ के इस फ्रॉड का शिकार हुआ बिकॉज मैं जानना चाहता था कि ये फ्रॉड एक्चुअली होता कैसे है स्नीकर रीसेलर्स इतने ज़्यादा हैं एंड व्हेन यू एक्चुअली डाइव इनटू द फर्स्ट कॉपी स्नीकर रीसेलिंग मार्केट वहाँ पर तो बवाल मचा हुआ है भाइयों। बिकॉज द मोमेंट आई फाउंड आउट दिस पेज ऑन इंस्टाग्राम आई वाज़ ऑलवेज इन डाउट कि यहाँ कुछ पंगा चल रहा है बट इतने ज़्यादा फॉलोअर्स और इतने बड़े लेवल पर अगर फ्रॉड हो रहा था तो आई वॉज श्योर दैट आई हैव टू मेक अ वीडियो अराउंड दिस सो इन दिस वीडियो टूडे आई टू टेक यू थ्रू दिस होल फ्रॉड जर्नी जियोनी वेन आई लॉस्ट माई मनी बट आई एक्चुअली फाउंड आउट कि पूरा फ्रॉड वर्क कैसे करता है सो स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव ओके सो हेर इज हाउ दिस होल एपिसोड बिगेन दिस प्रोफाइल बाय द नेम ऑफ ब्रांड मार्ट इज ऑन इंस्टाग्राम एंड हैज गॉट फोर्टी फाइव थाउजेंड फॉलोअर्स पहली बार अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा यार बड़ा जेनविन सा प्रोफाइल है बहुत प्रोफेशनल पोस्टिंग्स हैं स्टोरीज बड़ी एंगेजिंग है डिजिटल मार्केटिंग इनका बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है देर इज अ team that is working constantly because जब मैंने इनके प्रोफाइल पर इंक्वायरी करी और उसके बाद मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया ऑब्वियसली मुझे गूगल एड्स दिखने लगे फेसबुक एड्स दिखने लगे बहुत सारी जगहों पे मुझे इनके एड्स पॉपअप होने लगे सो इवेंचुअली यस आई सबमिटेड माई सेल्फ टू दैम एंड आई डिसाइडेड कि ट्राई करके देखते हैं एक शूज़ खरीद के देखते हैं इनसे पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली exactly सीन है एंड उनके डीएम में मैंने एक क्वेरी पुटअप करी कि भाई मुझे ए जॉर्डन वन लो यू चाहिए अब अगर सबको पता होगा इफ यू गाइज आर इंटू स्नीकर कम्युनिटी ए जॉर्डन वन लो यू का प्राइस जो है रीसेल मार्केट ट मेंबाउट दैट दे आर सेलिंग फर्स्ट कॉपीज बट इन्होंने मुझे प्राइस बताई साढ़े तीन हजार रुपए तीन हजार पांच सौ रुपए मैंने कभी लाइफ में पहले फेक्स खरीदे नहीं है या मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी बट यहाँ पर आज मुझे ऐसा लगा की वाई नॉट गिव इट अ ट्राई एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ दिस फर्स्ट कॉपी मार्केट वर्क सो यहाँ से कॉन्वर्जेशन जर्नी काफी स्मूथ था आई गॉट टू नो अबाट देर प्राइसिंग ऑफर्स एंड ऑल सो दे डिसाइडेड थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज का रेट फॉर दिस पर्टिकुलर स्निकर दे टोल्ड मी टू पे द फुल अमाउंट हवेवर आई मेन्टेंड कि मुझे सी ओडी चाहिए और मैं थोड़ा सा अमाउंट एडवांस में पे करूँगा दे मेन्टेंड की आप फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज कम से कम पे करो द होल कॉन्वर्जेशन इज क्वाइट विजिबल हेयर ऑन माई स्क्रीन ऑल्सो और मैंने उन्हें एट हंड्रेड रुपीज पे कैसे तैसे कन्विंस किया मैंने उन्हें एट हंड्रेड रुपीज ट्रांसफर किए एक से दो घंटे तक उनका चैट काफी एक्टिव था दे केप्ट ऑन रिप्लाइंग टू माई मैसेजेस और क्वेरीज दैट आई हैड बट आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वन दे रियलाइज दैट द मनी वॉज इन देयर बैंक देर वॉज नो रिस्पॉन्स ऑन द डीएम दो दिन तीन दिन चार दिन मैं वेट करता रहा कि डीएम का रिस्पांस आएगा बट दे वाज नथिंग देन आई डिसाइडेड टू राइट एन ईमेल एंड हियर इज अ कॉपी ऑफ ईमेल दैट आई रोट टू देम and i have clearly mentioned that i placed this order this is my order id and this is the problem that i am facing of course there was no response on the email also then i bounced on to their whatsapp again no response on the whatsapp so guys of course i received the shoes i am not denying the fact and yes, it's still a fraud. Let me explain you how. So, this shoe that you can see on my screen right now, this was the shoe that was delivered by the Amazon executive. And on checking the dispatch address, I found out that this address belongs to some small town of Chhattisgarh. Whereas this company is registered in the city of Bangalore. Now, this is quite astonishing for me uh, because I ordered a shoe specifically that was something like this Air Jordan 1 Low UNC. And these products don't surely match. <laughs> I had to return the shoe and uh, my money is still stuck. So what do we do next? So now the episode is and I realized that there's no point contacting them for my 800 rupees. I've lost it. But what I've learned is a lesson of a lifetime and that's why I'm making this video. So that you guys can save your hard-earned money and deal with only people who are genuine and authentic. But how do we find out who is authentic and who is fake? Now Instagram allows everyone to make multiple profiles and that actually fuels in the counterfeit market. So the first red flag. If you see their Instagram profile, their comment section is disabled. So you can't drop any comment or people like me who have already made a purchase with them, made them the payment, never got the shoe, cannot really put up their opinion. Second point, they are not on Google. No matter how small or big your business is, you got to be on Google so that people who are buying stuff from you or people who are making any transaction with you they can go there and put up their opinion that's what is not happening here and you know what to my surprise they have now made a second profile which is again somewhat around brand mart double -A -A i've seen brands making intentional spelling errors in their brand name but they are quite active through their website through their google presence it looks very professional so guys the sole purpose of making this video was to make you aware about this fraudulent website and Instagram profile. Now, there are two things that we can do going forward. One, report their profile on Instagram. Honestly, that's not going to be of major help because they will simply make another profile, and that's what they have done, as I told you earlier. The second thing that we can do here is share this video on Instagram and on WhatsApp groups and within your circle so that somewhere you're making sure that this stops our community people or people who really value sneakers and shoes to waste their money on these fraudulent activities this is about the safety and security of our hard earned money don't let these people do fraud again with the next person because they are outrageously doing this on a daily basis and we got to be helping each other right now i hope you found this video helpful and if you did please subscribe to the channel because that's how we grow my aim is to create such informative content that makes you a smart buyer when it comes to shoes also you can drop me a dm on instagram because i'm quite active there i would love to help you guys in any manner till my next video you guys stay fit and keep watching smart kicks